हमारे साथ प्रदीप अहिरकर जी हैं आइए उनसे बात करते हैं प्रदीप जी यहाँ चल क्या रहा है इस यार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सामने क्या हो रहा है ये इस समय हम लोग कॉन्क्रीट गर्डर के कास्टिंग यार्ड में खड़े हुए हैं ये बेसिकली एक इनर मोल्ड है जो आउटर मोल्ड के अंदर इंसर्ट हो रहा है और ये एक हम लोग एक मोल्ड तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग अपना फुल स्पान लॉन्चिंग मेथड से एक 40 मीटर का गर्डर का कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो ये हम तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे 40 मीटर का गर्डर कॉन्क्रीटिंग के लिए शटरिंग की तैयारी हो रही है तो शटरिंग तैयारी हो रही है सर इसमें खास तरीके का सीमेंट होता है क्या होता है इसमें सबसे पहले तो ये मेथड जो है 40 मीटर 40 मीटर का फुल स्पॉन लॉन्चिंग गर्डर आज तक इंडिया में कहीं यूज़ नहीं हुआ ये पहली बार हम लोग इसको इसका कंस्ट्रक्शन करके लॉन्चिंग कर रहे हैं तो ये काफ़ी हैवी होता है नाइन सेवेंटी टन का ये गर्डर है बट इसका फ़ायदा ये है कि ये मेथड काफ़ी स्पीडी है ये करने से हमारा काफ़ी तेज़ी से हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो ये बेसिकली इस मेथड से हम लोग विद इन से 14 डेज हम लोग एक गर्डर तैयार करके और लॉन्चिंग के लिए तैयार कर सकते हैं सर अब तक अगर इस यार्ड की बात करें तो कितने गर्डर आप लोगों ने बनाए हैं अभी तक टोटल हमने 48 एट गर्डर कास्ट कर लिए हैं और टोटल यहाँ पे हमें सेवन थर्टी फोर गर्डर कास्ट करना है सर जब गर्डर आप बनाते हैं इतना भारी भरकम गर्डर कैसे उठाते हैं इधर से इधर से उधर कैसे ले जाते हैं जी इसको इसको एक एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए एक स्पेशल मशीन है स्ट्रेडल कैरियर बोलते हैं उसको उस स्ट्रेडल कैरियर की मदद से उसके चार पॉइंट पे हम लोग उसको लिफ्ट करके और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाते हैं सर एक और सवाल उठता है गर्डर के अंदर जो आप लोग सरिया इस्तेमाल करते हो तो किस तरीके का सरिया होता है मैंने सुना है कि बहुत से लोग जो है बड़ा घटिया सरिया इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन यहाँ क्वालिटी कैसे आप मेंटेन रखते हो नहीं देखिए एक तो हमने इसमें वेंडर्स फिक्स किए हुए हैं उसके अलावा हम लोग इसका बहुत ही रेगुलर टेस्टिंग करते हैं कि किसी भी प्रकार का उसमें कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं है सर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे जब ये बन गया गर्डर और साथ ही साथ इसमें बीच वाला स्पेस में देख रहा था कि खाली रखा जाता है तो उसके पीछे क्या इंजीनियरिंग होती है क्यों खाली रखा जाता है पूरा ठोस नहीं हो सकता है नहीं पूरा सी ये डिज़ाइन के मुताबिक है पूरा ठोस कर करने का ज़रूरत नहीं है हम लोग उसकी डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि उसको बीच में हॉलो रख देते हैं तो इसकी डिज़ाइन ही इस तरह से है और ये आ, ये मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन है इसकी अच्छा इसकी मतलब सस्ता पड़ता है इसलिए जो है बीच में खाली रखते हैं कोई स्ट्रेंथ से लेना देना नहीं है नहीं उसका कंक्रीट की स्ट्रेंथ से लेना देना नहीं है बट ये मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन है जो इस पर्टिकुलर वेट के लिए इस शेप बेस्ट शेप है ये बॉक्स कटर जो बोलते हैं वो बेस्ट शेप होता है इतने लोड को लेने के लिए सर एक आखिरी सवाल है कितना मजबूत होता है यानी अगर हम देखें तो ये इलाका भूकंप के लिहाज से भी है सारी चीज़ें हैं और आप वायरडक्ट बना रहे हैं ऊपर चलेगी ट्रेन तेज़ रफ्तार चलेगी कितना मजबूत है ये इसमें जो हाईएस्ट ग्रेड रखा हुआ है एम फिफ्टी का ग्रेड रखा हुआ है इसमें और इसके क्वालिटी चेक्स के हिसाब से हम लोग पूरा इसका इसकी मजबूती का आ, पूरा इंस्पेक्शन करते हैं और जहाँ तक आ, सीज्मिक आ, आपने बोला है उसके लिए दूसरी मेथड्स हमने रखी हुई यहाँ पे, और ये ऐसा कोई सिज्मिक जोन है नहीं यहाँ पे बट फिर भी हमने इसमें सिज्मिक स्टॉपर वगैरह रखे हुए हैं जो कि इन चीज़ों को प्रिवेंट करेंगे प्रदीप जी आपका ढेर सारा धन्यवाद थैंक यू तो यहाँ पर आप समझिए ये मेथड हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं इस यार्ड के अंदर बड़े बड़े गर्डर बनाए जाते हैं और इनके वजन की अगर आप बात करेंगे नौ टन के ये गर्डर होते हैं और ख़ास तरीके की मशीनें इनको इधर से उधर ले जाती हैं जब ये गर्डर यहाँ बन जाता है उसके बाद इसको आगे स्थापित किया जाता है वायर्डकट के ऊपर रखा जाता है और धीरे धीरे करके वायरडक्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है गुजरात की बात करें तो गुजरात में जगह जगह पियर्स बनाने का काम चल रहा है वायडक बनाने का काम चल रहा है और जो टारगेट हैं वो सेट कर दिए गए हैं दे दिया गया है कि इस टाइम तक काम पूरा हो जाना चाहिए अब देखना होगा जो तय टारगेट हैं उन तक काम पूरा होगा या नहीं कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन आनंद